हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8 एंड वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन ABCDEF बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल्स। एक हेक्सागोन है हम लोगों के पास। हेक्सागोन मींस सिक्स साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो सिक्स साइडेड क्लोज्ड फिगर है, उसके इंटीरियर एंगल्स के सम निकालना है, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ का सम निकालना है। कैसे सम निकालना है? उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करके। तो ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं इस फिगर को। यहाँ वन ट्रायंगल मिला हम लोगों को, इसको ज्वाइन कर देंगे, दूसरा ट्रायंगल मिला, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तीसरा और ये चौथा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स का नेम दे देते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4। अब हम लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सॉल्यूशन देखेंगे। सम ऑफ, वी नो दैट, व्हाट वी नो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। सम ऑफ एंगल्स मीन्स इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर इस फिगर में ये पूरे एंगल का सम अगर निकालना हो तो उसमें ये वाला एंगल आ रहा है, और इस ट्रायंगल का सारे एंगल्स को लेंगे तो ये एंगल आएगा, इस ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सारे एंगल्स को लेंगे तो ये एंगल आएगा, और थर्ड ट्रायंगल के सारे एंगल्स को लेंगे तो ये एंगल आएगा। उसी तरह सभी एंगल्स हम लोगों का आते जाएगा जब हम लोग सभी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कर देंगे। यानी कि क्या निकालना है हम लोग को? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस सम ऑफ एंगल्स, शॉर्ट में एंगल्स लिखते हैं, ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 3 प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 4। सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कर देंगे तो इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा हेक्सागोन का। क्या है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री सभी एंगल्स का सम होगा, सभी ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। दैट मींस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। और इन सब का सम आ जाएगा 720 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर। दैट मींस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन ABCDEF इज 720 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ गिवन नंबर ऑफ साइड्स बाय यूजिंग फॉर्मूला n-2 into 180 डिग्री। ये फॉर्मूला यूज करके ये जो साइड्स दिए हुए पॉलीगॉन्स के, उन साइड्स के बेसिस पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितना होगा इंटीरियर एंगल्स का सम। तो हम लोगों को पता है कि मान लेते हैं कि ये एक पॉलीगॉन है, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, थ्री साइड्स है। इस फॉर्मूले में हम लोग फिट करके चेक करते हैं, 3-2 into 180। ये वैल्यू आ गया 1, 1 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगल के बारे में क्या पता है कि उसके सभी साइड्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तो हम लोगों का 360 डिग्री चारों एंगल्स का सम आना चाहिए, ऑल फोर एंगल्स का सम 360 डिग्री आना चाहिए। फॉर्मूला में पुट करेंगे n-2 into
180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। एन के कितना है, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा, एन के जगह 4, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। दो फिगर में, एक क्वाड्रिलेटरल में और एक ट्रायंगल में हम लोग चेक कर लिए कि एन माइनस टू इंटू 180 करने पर तीनों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का यहां पर, यहां पर चारों एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम आ जा रहा है। यानी इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को जितने भी साइड्स दिए हुए पॉलीगॉन्स के, उतने साइड्स का के पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले 12 साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द फॉर्मूला इज n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, एंड वी हैव n एज 12, 12 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 12 माइनस टू कितना हो जाएगा, 10, 10 इंटू 180 डिग्री इज 1800 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2। नाउ सेकेंड नंबर ऑफ नाइन साइड्स, नाइन साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू अगेन एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री इज द फॉर्मूला, एंड वी हैव नाइन, नाइन माइनस टू इंटू 180 डिग्री दैट इज 7 इंटू 180 डिग्री इज 1260 डिग्री इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नंबर 3 ऑफ 22 साइड्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज द फॉर्मूला, n इज 22, 22 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री दैट इज 20 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 18 2 36, 10 इसका 10 इसका 00, 3600 डिग्री इज द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, बोला जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मींस 8 साइडेड फिगर, 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन। तो एक रेगुलर ऑक्टागोन का इच एंगल का वैल्यू कितना होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम लोगों ने देखा कि ये फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, किसी भी पॉलीगोन का इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पर कोई रेगुलर पॉलीगोन रहे तो हम लोग उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये वन n माइनस टू इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला था किसके लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है विथ n साइड्स, तो n से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वन एंगल का वैल्यू निकलेगा, ईच एंगल का वैल्यू निकलेगा। यहां पर ऑक्टागोन है इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो द मेजर ऑफ ईच एंगल of a regular octagon will be equal to 8 minus 2 into 180 degree upon 8, that is 8 minus 2 6 ho gaya, into 180 degree upon 8, 2 3 ja 6 2 4 ja 8, 4 se cancel hoga 180, 4 1 ja 4, 4 4 ja 16 and 2 18 2 0 ho gaya, 4 5 ja 20, 45 into 3,
45 इंटू 3 हो जाएगा, 3 5 जो 15 का 5 एंड 1, 3 4 जो 12 130, 135 डिग्री इच एंगल्स होंगे किसके, रेगुलर ऑक्टागन गोल के। और ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, 4 एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज 100 डिग्री, 175 डिग्री, 85 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द फिफ्थ एंगल। फिफ्थ एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है, पेंटागन मींस अ रेगुलर पॉलीगन विथ 5 साइड्स और 5 एंगल्स, जिसमें से 4 एंगल्स दिए हुए हैं। एक पेंटागन के 4 एंगल्स दिए हुए, फिफ्थ एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को पता है कि सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, वो पहले निकाल लेते हैं किसी भी पेंटागन का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला, एन की जगह पर हम लोग का वैल्यू कितना है, 5, 5 माइनस टू इंटू 180 डिग्री होगा, दैट इज 3 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा 540 डिग्री। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया पेंटागन का। अब ये 540 डिग्री किन किन को ऐड करके बना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंगल और एक फिफ्थ एंगल। तो फिफ्थ एंगल को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट फिफ्थ एंगल ऑफ पेंटागन बी एक्स डिग्री। अब एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एपीक्यू, सबको ऐड करेंगे, 100 डिग्री प्लस 175 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये 4 एंगल्स है और फिफ्थ एंगल एक्स डिग्री का मेजरमेंट का, सबका सम आएगा 540 डिग्री। ऐड कर देते हैं इन सबको, 5 5 10, 10 5 15 का 5 इन हैंड 1, 1 7 8, 8 8 16, 16 7 23, 23 एंड 0, 23 का 3 इन हैंड 2, 2 1 3, 3 1 4, 435 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। x is equal to 540 degree minus 435 degree, subtract करेंगे दोनों को, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 3 हो गया 3 में से 3 गया 0 बचा, यहाँ पर 4 हो गया 4 में से 5 हो गया 5 में से 4 गया 1 बचा, 105 degree is the answer of question number 4। Now last number question of the worksheet. Question is find the measure of x in the given figure. इस फिगर में x का मेजरमेंट निकालना है, that means angle x का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है। हम लोगों को पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसी भी पॉलीगोन का 360 डिग्री होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो एक पॉइंट के चारों तरफ मूव कर जाते हैं, जहां से स्टार्ट किए हुए रहते हैं वहीं पर एंड हो जाता है, तो ये एक कंप्लीट एंगल बन जाता है, दैट मींस 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर जाता है, इसके कारण एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगॉन का 360 डिग्री होता है। तो क्या हम लोगों को पता है, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of any polygon is equal to 360 degree होता है, that means कहीं से भी start करते हैं, यहां से start करके clockwise या anti clockwise move कर जाते हैं, x plus 40 degree plus 65 degree plus 100 degree plus 45 degree is equal to 360 degree होगा। Now x plus 40 and 65, 105, 105 and 100, 205, 205 and 45 is 250, 250 degree is equal to
60 डिग्री. नाउ एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री. सो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री इज द आंसर ऑफ लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ द बॉक्स. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.